हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस टाइप का मोटिवेशन क्वार्ट वीडियो कैसे बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर इस टाइप का जो रील है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो आज की इस वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे इसको एडिट करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग इसको एडिट करने के लिए कैपकट ऐप का यूज़ करेंगे। कैपकट ऐप आप लोगों के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग जानते ही होंगे कि कैपकट यूज़ करने के लिए कोई भी एक VPN से कनेक्ट होना पड़ता है। आप लोग जो भी VPN को यूज करते हो उसको यहाँ से ओपन कर लेना। मैं सिक्योर VPN ओपन करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग इसको कट करके यहाँ से कैपकट ओपन कर लेते हैं। आप लोग जो भी VPN यूज करते हो उसको कनेक्ट कर लेना। कैपकट ओपन हो जाने के बाद आप लोग को इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग को इस पर टैप करना है। उसके बाद आप लोग को एक ब्लैक पेज सेलेक्ट करना है। एक ब्लैक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक फोल्डर में रखा है उसको, यहाँ से ये वाला है। उसके बाद यहाँ से इमेज में जाकर उस वाली फ़ोटो को हम लोग को ऐड करना है। यहाँ से मेरे पास ये वाला है, यहाँ से ऐड वन पर टैप करेंगे, फिर हम लोग को जो फ़ोटो है यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा, देख सकते हो। और हम लोग सबसे पहले अपना जो रेशियो है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इधर स्क्रॉल करना है, जैसे ये वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करके ये वाला रेशियो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। अब हम लोग का लेंथ थोड़ा सा छोटा है, इसको हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना है। आप लोग जितने सेकंड का मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहते हो उतना सेकंड आप लोग रखना, मैक्सिमम 10 सेकंड तक रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। यहाँ से हम लोग रख लेते हैं 7 या 8 सेकंड, इतना रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को कोई सा भी क्वाट टाइप करना है जो आप लोग रखना चाहते हो अपने वीडियो में, उसको टाइप कर लेना। मेरे पास एक क्वाट है जिसको हम लोग टाइप कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट में जाकर उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। मैंने पहले ही कॉपी करके रखा है ये वाला। आप लोग अगर चाहते हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग को इसको आधा आधा टुकड़ा में बांटना है। यहाँ से हम लोग यहाँ तक रखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। इस टाइप से हम लोग का जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन में आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को फॉन्ट सेलेक्ट करना है। फॉन्ट में जाएंगे, इधर नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी आप लोग एक सिंपल फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, बस सिंपल होना चाहिए, फॉन्ट मैटर नहीं करता, बस सिंपल होना चाहिए। इस टाइप से आप लोग कर लेना। यहाँ से आप लोग कुछ और फॉन्ट बता देता हूँ, आप लोग इटैलिक भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ से ये वाला, ये भी काफ़ी सही है। हम लोग इसी को यूज कर लेते हैं, आप लोग चाहते हो उसको यूज कर लेना। यहाँ से स्टाइल में जाएंगे, उसके बाद ये जो साइज है उसको हम लोग को कम करना है। इधर रखना है कि ये जो हम लोग का टेक्स्ट है पूरे स्क्रीन पर आ जाए। हम लोग का 10 में सही आ गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को राइट क्लिक करना है, इसका जो लेंथ है उसको इधर स्क्रॉल करके यहाँ से ये वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को टैप करना है। फिर पूरा जो हम लोग का वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग को एक बार डुप्लीकेट करना है। ये वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ से इस पर टैप करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को इसको एडिट करना है। ऐसे स्टाइल में जाएंगे, उसके बाद इसको जिसने लिखा है उसका यहाँ पर नेम टाइप करना है। यहाँ से इसको कट करेंगे। उसके बाद ये जो वर्ड है उसको दिया है ब्रूस ली ने, तो हम लोग यहाँ से उसका नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ से ब्रूस ली, ओके, ये हो गया। और सामने में आप लोग को ये वाला टाइप कर देना है। यहाँ से इसमें जाएंगे, ये वाला सेलेक्ट करना है पहले, उसके बाद ये वाला, फिर एक बार स्पेस दे देना है इस टाइप से। और इसका कलर को हम लोग को डिफरेंट रखना है ताकि ये जो लेखक का नाम है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ से आप लोग रेड ले सकते हो या फिर येलो ले सकते हो, या कुछ और कलर आप लोग रखना चाहते हो उसको ले सकते हो। यहाँ से मैं येलो सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला सही रहेगा। उसके बाद इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है, इसको नीचे में इस टाइप से एडजस्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, जो हम लोग का मेन टेक्स्ट है उससे इस टाइप से। अब इसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग जो भी रेजोल्यूशन में रखना चाहते हो उसको रख के यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना। हम लोग को यहाँ से डन पर क्लिक करना है। यहाँ से अब न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर फिर से टैप करके यहाँ से हम लोग को एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम लोग इस पर टैप करके कोई सा भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास ये वाला फ़ोटो है जिसको हम लोग वीडियो में यूज करना चाहते हैं, जिसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। एड वन पर आप लोग को टैप करना है, देन इस टाइप से आप लोगों का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फिर से रेशियो सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये वाला हमें जाकर ये वाला आप लोग को सेलेक्ट करना है जो कि रील का होता है, इसको आप लोग को सेलेक्ट करना है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फ़ोटो को हम लोग को थोड़ा सा जूम करना है इस टाइप से, पूरे स्क्रीन पर आ जाए इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट कर देना है। देख सकते हो हम लोग का जो फ़ोटो है रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम लोग को
कुछ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट के लिए इस पर टाइप करेंगे और यहाँ से इधर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद ये वाला आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से इस पर टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसका जो ब्राइटनेस है उसको हम लोग को डार्क करना है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा डार्क वाइब चाहिए ताकि टेक्स्ट अच्छे से हाईलाइट हो। ब्राइटनेस को रखना है इतना, कॉन्ट्रास्ट को आप लोग को इंक्रीज करना है लाइक दिस। ये है ब्रिलियंस, इसको आप लोग को इंक्रीज करना है थोड़ा सा, और ये जो सेचुरेशन है उसको डाउन रखना है थोड़ा सा इस टाइप से। उसके बाद शार्पन है उसको आप लोग को फुल करना है, फुल नहीं हाफ तक बढ़ा देना। यहाँ से इधर स्क्रॉल करके हाईलाइट है उसको आप लोग को डाउन करना है ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए। देख सकते हो थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, हम लोग को डार्क चाहिए। यहाँ से शैडो में जाकर इसको भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, डार्क ही रखना ज़्यादा इस टाइप से। टेम्परेचर है उसको पूरा यहाँ से डाउन कर देना, इस टाइप से नीला इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग को ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको ज़रूर से अप्लाई करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको यहाँ से हम लोग इतना इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अब एक और ओवर ले लेंगे। उससे पहले हम लोग इसका जो लेंथ है उसको बढ़ा लेते हैं, जितना हम लोग का वीडियो का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से 8 सेकंड था, 8 सेकंड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओवरले वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये रहा, इस पर टाइप करेंगे और एक शैडो हम लोग को ऐड करना है। इसका भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से इस पर सेलेक्ट करके ओवरले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो जो फोटो है हम लोग को उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस पर टाइप करेंगे, ऐड टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो शैडो है ऐड हो जाएगा। यहाँ से इसको जूम करेंगे इस टाइप से और आप लोग को एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हो एडजस्ट हो गया है ऑटोमेटिक। इसका भी लेंथ हम लोग को रख लेना है यहाँ तक। उसके बाद ओवरले वाले ऑप्शन में फिर से जाकर जो लिरिक्स हम लोगों ने टाइप किया था, जो क्वाड टाइप किया था, उसको यहाँ से ऐड कर देना है। मेरे पास ये वाला है, इसको हम लोग को ऐड करना है। यहाँ से इस पर टाइप करेंगे, ऐड हो जाने के बाद इसको सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ से स्प्लाइस का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करके आप लोग को इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लाइटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोग रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे में एडजस्ट करेंगे ताकि ये जो हम लोगों ने शैडो ऐड किया है उस पर अच्छे से वर्क करे। अब इसका जो लेंथ है उसको हम लोगों को यहाँ तक रखना है, मतलब जहाँ तक हम लोग का वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ये इन दोनों को भी यहाँ पर कट कर लेंगे इस टाइप से। अब हम लोग को इसमें मास्क का यूज़ करना है, इस पर टैप करेंगे। अब एक की फ्रेम देना है हम लोग को और इधर स्क्रॉल करना है, देन आप लोग को मास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप लोग को टैप करना है, ये वाला ऑप्शन आप लोग को सेलेक्ट करना है। इसको 90 डिग्री यहाँ से रोटेट कर देना, यहाँ से इस टाइप से थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ से कर लेना 90 डिग्री। ओके, ये जो फैदर है उसको आप लोग को इनक्रीज करना है इस टाइप से, फिंगर से करोगे फिर हो जाएगा। यहाँ से इसको डाउन कर लेना, इसको हम लोगों को रखना है यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे हम लोग को आना है इतना, उसके बाद थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। उसके बाद इसको हम लोगों को यहाँ पर इस टाइप से खींच लेना है, देख सकते हो, और हम लोग का एनिमेशन रेडी हो गया। आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी सही लोग लग रहा है। अब हम लोग को एक फेड आउट एनिमेशन भी सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट रखना। यहाँ से एक एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एनिमेशन में जाकर आउट एनिमेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक एनिमेशन ये वाला है जिसको हम लोगों को सेलेक्ट करना है। इसका लेंथ आप लोग रख लेना 0.5 सेकंड। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, अब हम लोग को इसको एक बार डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के लिए इधर स्क्रॉल करेंगे और ये रहा डुप्लीकेट। यहाँ से इसको डुप्लीकेट करके इसको नीचे में इस टाइप से एडजस्ट कर देना है, उसके जस्ट नीचे में। अब यहाँ से एक इफेक्ट हम लोग को ऐड करना है, यहाँ से इसको बैक करेंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे और जो इफेक्ट आप लोग को बताऊंगा उसको यहाँ से ज़रूर से अप्लाई करना है। इससे हम लोग का जो टेक्स्ट है वो ग्लो करने लगेगा। इस टाइप से हम लोग का जो इफेक्ट है आ गया है, इधर स्क्रॉल करना है। यहाँ से लेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद एक इफेक्ट यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से कौन सा है, हाँ ये वाला है ब्लर। आप लोग को इसको ऐड करना है, नॉर्मल ब्लर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम लोग और ये लास्ट में अप्लाई हो गया है। इसको पूरे वीडियो में हम लोग को अप्लाई करना है इस टाइप से। ओके, बट हम लोग का जो देख सकते हो वो वीडियो है, नॉर्मल वीडियो, वो ब्लर हो गया है। हम लोग को यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाना है, उसके बाद नीचे का जो लेयर है मतलब टेक्स्ट का, उसको यहाँ से मतलब उस पर अप्लाई करना है, ये वाला है हम लोग का, उसको आप लोग को अप्लाई कर देना है। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे,
अब इसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, जैसे ये वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को टैप करना है। टैप कर लेने के बाद इसको यहाँ से फुल कर लेना, फिर आप लोग का एडजस्टमेंट हो जाएगा। ओके, हम लोग का देख सकते हो वीडियो रेडी हो गया है। अगर आप लोग को यहाँ से प्ले करके दिखाओ तो शायद मेरे में लेग कर सकता है, बट आप लोग को यहाँ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोई सा भी एक आइडिया आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हो, बस वो पेज फुल होना चाहिए, फिर आप लोग का वीडियो परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद वीडियो रेडी हो जाने के बाद आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, इस पर आप लोग को टाइप करना है, उसके बाद यहाँ से इसको हाई कर देना और इसको हाई कर देना, देन आप लोग का जो वीडियो है हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगा और काफ़ी सही लगेगा। तो यहाँ से इस पर टाइप कर लेना, फिर आप लोग का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा।